पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता, 272 रुपये 77 पैसे का लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी हुई, नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे कमी हुई, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। शहर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद, हकबी मंडी में भी ताले पड़ गए। गल्ला मंडियों के ताजिर विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरगर्म, हड़ताल के पहले रोज अशियाई जरूरिया की सप्लाई मुतासर, दालों घी चावल और मसाला जात की दस्तियाबी मुतासर होने का खदशा। सदर हकबी मंडी अजहर इकबाल, हर्षद हमीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। अंजुमन ताजान लाहौर का टैक्सीज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, कल से एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। ताजों का मुजाहिद मकसूद भट्ट की सिरे सदारत इजलास, कहा हुकूमत ने जालमाना टैक्स वापस ना लिए तो दुकानें बंद कर देंगे। अब्दुल रजाक बाबर, तैयब रशीद मीर, मूसा इकबाल भी हम आवाज। लाहौर में साफ पानी का हसूल बड़ा मसला, शहर के 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा, महकमा हाउसिंग के 206 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 12 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब निकले, महकमा बल्दियात 61, हायर एजुकेशन 5, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 2 प्लांट नाकारा, फंड्स की कमी वजह करा। इंसानियत के खिदमतगार गौहर एजाज के मरीजों के लिए खिदमात बेमिसाल, जुना अस्पताल के डायलिसिस सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। गौहर एजाज ने वार्ड में मरीजों की आयादत की, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ में तारीफी चेक तकसीम किए। गौहर एजाज ने कहा, कोशिश है सफेद पोस्ट तबके का तमाम इलाज मुफ्त हो। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने गौहर एजाज को सूफी गौहर एजाज का खिताब दे दिया। लाहौर को पेरिस बनाने की तैयारियां, तरक्याती पैकेज 78 अरब रुपए का होगा। प्रोजेक्ट के तहत 20 से ज्यादा तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सड़कों का पैच वर्क, सीवरेज, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट और दीगर तरक्याती काम होंगे। महकमे बल्दियात ने PC1 महकमे PNB बोर्ड में जमा करा दिया। हुकूमत के मंसूबे अपनी छत अपना घर में पेशरफ, बिला सूद 50 अरब का कर्ज, शहरी आबादी के तनासुब से देने का फार्मूला तैयार। पहले साल 1690 अफराद स्कीम से मुस्तफीद होंगे, पसमानदा जिला और तरक्की से महरूम इलाकों को तरजीह दी जाएगी। 5 साल में हुकूमत 50 अरब खर्च करेगी। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हुकूमत की हिकमत अमली, बल्दियाती इदारों के लिए स्पेशल ग्रांट्स का हजम 37% तक बढ़ा दिया गया। बजट में इजाफे से बल्दियाती सतह की स्कीमों की तकमील आसान होगी। पंजाब में वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर म्यूनसिपल स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर, LPG 2 रुपए किलो महंगी, सरकारी कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर, घरेलू सिलेंडर 27 रुपए इजाफे के साथ 2797 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपए महंगा हुआ, कीमत 10760 रुपए पर जा पहुंची। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल मीटर्स को आउटसोर्स करने का मामला संगीन, मार्केट में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की मसनू किल्लत पैदा कर दी गई। कंपनी से मीटर्स की फाहमी में कमी कर दी, मिडलमैन किरदार सार्फिन को लूटने लगा। मीटर की कीमत में 10,000 रुपए तक का कुछ साख का इजाफा। मुफ्त इलाज न दामों का पास, सरकारी इलाज गाहों में कंट्रास्ट इंजेक्शन का फिर से काल, MRI और CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नहीं मिल रहे, मरीज परेशान। 7 से 8 हजार का कंट्रास्ट इंजेक्शन खरीदना नामुमकिन, हुकूमत ने इंजेक्शन की दस्तियाबी यकीनी बनाने का भी ऐलान किया लेकिन अमल ना हो सका। समनाबाद पक्के ठट्टे के मकीन, सुई गैस की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुजाहरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी, 20 दिन से सुई गैस दस्तियाब नहीं, कामकाज में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर जल्द मसाइल के हल का मुतालबा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट का बचना नामुमकिन, हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान होगा। 1 हफ्ते में 36,641 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान हो चुके।
लाहौर में 18 थानों के SHOs के तकरार तबादले, इंस्पेक्टर वकार बुखारी SHO रायवंड, हमास हमीद हडियारा तैनात, इमरान कमर पडाना इकबाल टाउन, इमरान नियाजी बागबान पुरा में लग गए, दानियाल गुजर SHO जुनूबी छावनी, फैसल नदीम गाजी आबाद तैनात, मोहम्मद जाहिद इस्लामपुरा इरफान गुजर नौलखा, फारूक आजम काहना, आसिफ जावेद शफीकाबाद मुकर, नवीद असलम मुस्तफाबाद, मोहम्मद औसीफ हेयर, जकाउल्ला गालिब मार्केट तैनात, राणा मुजाहिद सुंदर, अमजद डोगर सब्जासार, वकास अशरफ लिटर रोड, तैयब सरफराज SHO मोची गेट मुकर्रर। रिटायरमेंट के बाद जियो आर वन में रिहाइश क्यों रखी, सरकारी घर खाली नहीं किया, चेयरमैन नेप्रा वसीम मुख्तार को 45,19,000 जुर्माना, महकमे SNGAD ने जुर्माना किया। वसीम मुख्तार विफाक में ग्रेड 21 से रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन नेप्रा बने। तोशाखाना केस, मुशा बीबी की गिरफ्तारी हाईकोर्ट में चैलेंज, पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी, IG जेल और सुप्रीडेंट अडियाला जेल फरीक, तोशाखाना केस में बदनीयती के तहत गिरफ्तार किया गया, दरख्वास्त गुजार का मौकफ। PTI की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए दरख्वास्त, आप फैसला क्यों नहीं कर रहे, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर का लॉ ऑफिसर से मुकालमा, अदालत ने पंजाब हुकूमत को 2 अगस्त तक फैसले की हदायत कर दी, फैसला करके रिपोर्ट देने की हदायत। अजमा बुखारी से मंसूब जाली वीडियोस का केस, FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया, साइबर क्राइम विंग का सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात के लिए अमरीका से राबता, PTI की कारकुन फलक जावेद समेत दीगर के अकाउंट्स की तफसीलात तलब, FIA ने फलक जावेद के घर तलबी का नोटिस भी लगवा दिया। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा केस, आमना अरूज के 9 शरीक मुलजमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, मुलजमा अमीना की बहन मरियम शहजादी दोस्त शुमाइल मुकदमे से खारिज, हसन शाह ने खलीलुर रहमान को अगवा किया था, मैं तो मुलाजिम हूँ, मुलजम जीशान कयूम का अदालत में बयान। जाली दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, ब्रायलर की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले भी शिकंजे में आएंगे, वजीर आला पंजाब के जेर सदारत इजलास, अशरे खुरनोश के निरखों की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मजीद मौसर निज़ाम बनाने की हदायत, वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, 192 अरब रुपए के रोड तरक्याती प्रोग्राम पर बातचीत, 15 सितंबर तक 471 सड़कों की तामीरात शुरू करने का हुक्म। पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास, सूबाई वजीर ने कहा कि एक्शन प्लान और पॉलिसी आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी, माहौल दोस्त इकदाम से तरक्की की राहें खुलेंगी। पंजाब में नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क्याम पर पाबंदी, स्टैंडिंग कमेटी का नए कॉलेजेस बनाने पर पाबंदी की तजवीज पर इत्तफाक, सिफारशात पंजाब काबीना को इरसाल, सूबाई वजीर ने कहा नए कॉलेजेस बनाने पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के बोर्ड का 128वां इजलास, सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने सदारत की, 24 निकाती एजेंडे पर गौर, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन में इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मंजूरी, इंटर्नीज को महाना 30,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का 30वां इजलास, सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की, बोले पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की इस्तदादे कार बढ़ाई जा रही है, इंसानी पिवनकारी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम के लिए 16 नाम शॉर्ट लिस्ट, क्यादत ने लाहौर में सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों को फाइनल कर लिया, मिसबाहुर रहमान, फैसल मीर, राना जमील मंज, आसिफ हाशमी के नाम शामिल, फायजा मलिक, बैरिस्टर आमिर हसन, उमर शरीफ बुखारी भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। गवर्नर पंजाब से ईरान के काउंसल जनरल की मुलाकात, सकाफती तालीमी और मुआशी शोबे में ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल, गवर्नर पंजाब की बतौर चांसलर फारसी जुबान की तरवीज के लिए इकदाम पर गौर करने की अपील दिखाई। कमिश्नर लाहौर के जेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास, जिला इंतजामिया, महकमा ज़राअत और दीगर अफसरान के साथ
अलहदा अलहदा सेशंस। सब्जियों की नीलामी प्राइस, होलसेलर्स प्राइस, रिटेलर्स प्राइस और अखराजात का जायजा। कमिश्नर लाहौर की आम बाजार के दुकानदारों से भी मुलाकात। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक में तौसी। एफबीआर ने ताजे फर्म नुमाइंदगान और कंपनी के शेयर होल्डर्स को 31 अगस्त तक मोहलत दे दी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने एसआरओ 350 में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए टाइमलाइन बढ़ाने का मुतालबा किया था। प्याव की मलकियत की कानूनी जंग। मियां अंजुम निसार ग्रुप के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रन इन चीफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फहीम और रहमान सहगल की शिरकत। इधर प्याव मियां अंजुम निसार ग्रुप ने मजीद 3 उम्मीदवारों को एसोसिएट क्लास की टिकट जारी कर दी। अनारकली आबकारी रोड से एहसन शाहिद, स्टील मार्केट से उमर सफराज, दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एरिया से इरफान अहमद कुरैशी को टिकट दिया गया। पेपर मार्केट से मलिक अहद अमीन को भी टिकट मिल गया। बीएससी नर्सिंग सेकंड प्रोफेशनल के नतीजे का ऐलान। कामयाबी की शरह 65.31% रही। 41 नर्सिंग कॉलेजेस के 2447 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1591 उम्मीदवार कामयाब, 845 फेल हुए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की बरीरा इकबाल की पहली पोजीशन, शहजादा दुरेश शहवार की दूसरी और सदफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फ्लैटीज में इकबाल एवेन्यू के क्याम के लिए एमओयू साइन। सीईओ अरशाद बी अंजुम और महमूद असकर ने दस्तखत किए। अरशाद बी अंजुम कहते हैं उनकी तरक्की का राज मेहमानों को जदीद सहूलियात की फ्राहमी है। 2 साल में 25 होटल्स के साथ एमओयू साइन कर चुके। आलमी शोहरत याफ्ता सर्जन डॉक्टर हबीबुल्ला की बशीर न्यूरोस्पाइन इंस्टीट्यूट जेल रोड आमद। इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। टीबी माहरीन से वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जरी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बोले ये जदीद तरीका इलाज है जिसके जिस्म के आज़ा काटे बगैर इलाज मुमकिन है। पीकेएलआई में हेपेटाइटिस डे के हवाले से फ्री स्क्रीनिंग कैंप और वॉक। डॉक्टर उस्मान इकबाल औजला ने हेपेटाइटिस से होने वाले अमराज और बचाव के बारे में आगाह किया। प्रोफेसर फैसल डार ने वज़ीर आज़म के हेपेटाइटिस के खात्मे के प्रोग्राम को सराहा। ड्राइविन रोड पर स्पीडियट यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस पाक मिशन सोसाइटी ने एहतमाम किया। माहिर मौसमियात तब्दीली और तहफ़ुज़ और असातिज़ा की शिरकत। तुलबा ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आगाही के लिए टैबलोज पेश किए। और ड्रामा भुल्ले शाह की रिकॉर्डिंग जारी। गुलबर्ग में अदाकारा साइमा पर गाने की अक्सबंदी। अदाकारा दुर्दाना रहमान, सैफ खान और अली अंजुम भी मौजूद थे।